नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को केंद्र शासित बना दिया है। भाजपा का यह ऐतिहासिक फैसला है और इसके बाद देश की समीक्षा भी शुरू हो गई है, जहां कुछ नेता और पत्रकार इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ नेता और पत्रकार इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मैक्सेस पुरस्कार विजेता पत्रकार रविश कुमार ने इस फैसले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपने ब्लॉग में इस फैसले का बड़ा सवाल उठा दिया है। पत्रकार रविश कुमार ने इस मामले पर अपने ब्लॉग में लिखा है कि भारत के आम लोगों में जम्मू कश्मीर को लेकर अलग ही समझ है। वो कहते हैं कि ये समझ कई सालों से बनी हुई है। रविश ने कहा है कि भाजपा संघ लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई है कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर इस देश का पूरा हिस्सा नहीं बन सका है। पत्रकार रविश ने अपने ब्लॉग में अनुच्छेद 370 को हटाने पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेने से पहले कश्मीर से पूछा गया कि उनकी क्या राय है। उन्होंने पूछा कि जम्मू और लद्दाख प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई है। रविश ने यह भी कहा कि कश्मीर कैसे सांस ले रहे हैं किसी को खबर नहीं है। और उन्होंने कहा कि पहले महबूबा और उमर को नज़रबंद किया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद, राज्यसभा पीडीपी के 2 सांसद हैं, तो ये अलगाववादी नहीं थे, फिर इनकी राय क्यों नहीं ली गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविश कुमार के यह सवाल सही हैं या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।